साल 2017 में नासा ने भारत और श्रीलंका के बीच की एक सैटेलाइट इमेज जारी की थी, जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। इस पिक्चर में भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच एक पुल जैसी आकृति नजर आती है, जिसे देखकर कोई इसे राम सेतु का नाम दे रहा था। आप गूगल मैप पर भी देख सकते हैं कि इस रूट पर कुछ आइलैंड्स नजर आ जाएंगे। राम सेतु वास्तव में मौजूद था या नहीं, ये बात हमेशा से ही एक विवाद का मुद्दा रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोग राम सेतु को सच मानते हैं और इस पर कोई संदेह नहीं जताते। वहीं वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दो पहलू नजर आते हैं। राम सेतु से संबंधित ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम राम सेतु से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और राम सेतु की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था। भगवान राम सीता को वापस लाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन बीच में एक विशाल समुद्र उनकी राह में आता है। इसके बाद नल और नील वानर सेना के साथ मिलकर एक पुल का निर्माण करते हैं, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। नल और नील जिस भी पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखते हैं, वे पत्थर पानी में तैरने लगता था और इस तरह कई किलोमीटर लंबे राम सेतु का निर्माण किया गया। नासा ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, उसके अनुसार इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है। इस समुद्र से कई पत्थर भी प्राप्त हुए जो पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। रामेश्वरम में आपको इस तरह के पत्थर देखने को मिल जाएंगे जो कई किलो वजनी होने के बाद भी पानी में डूबते नहीं। लोगों का मानना है कि ये पत्थर राम सेतु के ही अवशेष है। इन पत्थरों की जब कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला कि ये पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। और कुछ इतिहासकार इसी दौरान रामायण के घटित होने का वर्णन भी करते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं दूर स्थान से यहाँ पर लाए गए थे। धनुषकोडी के तट से यदि आप नाव के जरिए कुछ किलोमीटर आगे जाते हैं तो समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह आप पहुँच जाते हैं जहाँ आप खड़े हो सकते हैं, यानी कि समुद्र के नीचे सतह मौजूद है। और जिस जगह पर ये सतह मौजूद है, वहाँ से लंका का मन्नार आइलैंड केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान राम इसी रास्ते के जरिए लंका पहुँचे थे। समुद्र के बीच में इतनी कम गहराई का होना प्रमाणित करता है कि यहाँ पर एक पुल बना हुआ करता था जो समय के साथ समुद्र के नीचे डूबता गया, लेकिन आज भी उसके कुछ अंश अस्तित्व में है। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि समुद्र के नीचे मौजूद रेत केवल 4000 साल पुरानी है, जबकि यहाँ पाए गए पत्थर 7000 साल पुराने हैं। यानी जिस रेत के ऊपर पत्थर पाए गए हैं, वो रेत पत्थरों के बाद यहाँ आई है। समुद्र के बहाव के साथ रेत का आना कोई बड़ी बात भी नजर नहीं आती। कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल के शो एंशियंट लैंड ब्रिज में कहा गया था कि नासा की तस्वीरों वाली आकृति प्राकृतिक नहीं बल्कि मैन मेड है। जिस जगह लोग पुल में खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर समुद्र का बहाव काफी कम है, जबकि समुद्र के बीच में अक्सर लहरें काफी तेज होती है। कहा जाता है कि भगवान राम ने पुल बनाने से पहले समुद्र देवता से कहा था कि वे इस स्थान पर अपना प्रकोप कम रखें और शांत रहें। समुद्र देवता ने राम जी की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 15वीं शताब्दी तक ये पुल इस्तेमाल किया जाता था। भारत और श्रीलंका के बीच इस पुल के रास्ते आया जाया करते थे, लेकिन सन 1480 में एक भयंकर तूफान में ये पुल पूरी तरह नष्ट हो गया और उसके कुछ ही अवशेष बाकी रह गए। समय के साथ समुद्र के जल स्तर में 3 मीटर तक बढ़ोतरी हो गई, जिस कारण ये पुल पानी के भीतर समा गया। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि आज से करीब 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ था और वेदों के अनुसार द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक चला और रामायण त्रेता युग में हुई थी। ऐसे में राम सेतु 7000 साल पुराना नहीं बल्कि लाखों साल पुराना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पाए गए पत्थर केवल 7000 साल पुराने हैं। जो पत्थर पाए गए हैं, वे असल में कोरल और सिलिका से बने हुए हैं। कोरल एक नेचुरल फॉर्मेशन होती है और उसमें हवा भर जाती है, यानी कुछ कुछ ये स्पंज की तरह काम करने लगते हैं, जिस कारण इनमें वजन तो होता है लेकिन हवा के कारण ये पानी में डूबते नहीं है बल्कि ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं। तो वहीं कुछ पत्थर ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा और अन्य मटेरियल निकलता है उससे बने हुए हैं। ये पत्थर भी पानी में तैरते हैं। दक्षिण भारत में कई जगह ऐसे पत्थर पानी में तैरते हुए लोगों को दिखाई जाते हैं जिनके ऊपर राम नाम लिखा होता है, और सैलानी इन पत्थरों को देखकर सच में उन्हें राम सेतु का एक अंश मान लेते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले हिंदी का वो स्वरूप नहीं था जो आज इस्तेमाल किया जाता है। उस समय प्राकृतिक या संस्कृत भाषा के बारे में ही लोग जानते थे, लेकिन आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं को गुमराह करना काफी आसान हो जाता है। वाल्मीकि के अलावा अन्य कई लोगों ने राम सेतु के अस्तित्व को सही बताया है। कुछ जगह ऐसा जिक्र भी मिलता है कि रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या के लिए रवाना हुए तो विभीषण के आग्रह करने पर उन्होंने ये पुल नष्ट कर दिया। कालिदास ने अपनी लेखनी में लिखा है कि अयोध्या आने के बाद भगवान राम माता सीता को राम सेतु की पूरी व्याख्या का वर्णन करते हैं। हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम और ईसाई धर्म में भी इस पुल की अहमियत बताई जाती है। मुसलमान इसे आदम पुल कहते हैं, तो वहीं क्रिश्चियंस इसे आदम्स ब्रिज
का नाम देते हैं। भारतीय इतिहासकारों और धार्मिक गुरुओं के अलावा विश्व के अन्य कई इतिहासकारों ने धनुषकोडी और मन्नार के बीच एक पुल होने का दावा किया है। 850 ईस्वी में एक पर्शियन जियोग्राफर ने बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम नाम की एक किताब लिखी, जिसमें इस पुल को ब्रिज ऑफ द सी का नाम दिया गया। एक डच कार्टोग्राफर ने सन 1747 में इस पुल को रामन कोयल कहा था, तो वहीं बाद में एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने भी यहां पर पुल होने की बात को स्वीकार किया। जिन लोगों को भारत देश के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स पर भरोसा नहीं होता, वे विदेशी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लेखकों में इस पुल के बारे में पढ़ सकते हैं। राम सेतु के अस्तित्व की सच्चाई का गहराई से पता लगाने के लिए साल 2021 में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने एक प्रस्ताव पर मुहर लगाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहां पर एक विस्तृत रिसर्च करने के लिए कहा गया, जिससे राम सेतु से संबंधित सभी मिथक दूर किए जा सकते हैं और सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल सके। लेकिन ये पुल एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर रिसर्च अभियान से प्रकृति, पर्यावरण और समुद्री जीवों को नुकसान हो सकता है। इस स्थान पर 36,000 अधिक फ्लोरा और फौना मौजूद है। लाखों की संख्या में जलीय जीव यहां रहते हैं, साथ ही लोगों की आस्था भी इस स्थान के साथ जुड़ी हुई है। साल 2004 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें यहां पर एक ट्रेड रूट का निर्माण किया जाना था। लेकिन साल 2007 में बीजेपी और अन्य कई पार्टियों के विरोध के बाद उस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। राम सेतु था या नहीं, ये तो हर इंसान की व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। हमने आपको ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राम सेतु से जुड़े सभी राज आपके सामने पेश किए हैं। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि राम सेतु के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।